आज हम लेंज के नियम और भंवर धाराओं ईडी करंट पर एक गतिविधि करेंगे। देखिए मेरे पास में एक ये तांबे की खोखली नली है। देखिए आप, ये तांबे की एक खोखली नली है और यहां मैंने दो नियोडिमियम मैग्नेट लिए हुए। देखिए आप, एक से भी आपका काम चल जाएगा। ये नियोडिमियम मैग्नेट है, देखिए आप, ये देखिए, और साथ में मैंने कुछ ये लोहे की वस्तुएं ली हुई है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, हम जानते हैं कि ये जो तांबे की नली है, ये तांबा है, देखिए ये इस चुंबकीय, ये चुंबक से प्रभावित नहीं है, मतलब ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं, देखिए इस नट को, है ना, ये लोहे की जो नट है, मैं इसको इस तांबे की नली में से आर पार निकालूंगा। देखिएगा ये कितनी जल्दी नीचे आती है। देखिए मैं इसको छोड़ने वाला हूं, देखिए आप, ये तुरंत नीचे आ जाती है। देखिए, या मैं इस नट को निकालता हूं, देखिए ये, इसको देखिए, ये तुरंत नीचे आ जाता है। देखिए फिर से नट को, ये मैंने गिराया, ये तुरंत नीचे आ गया। लेकिन अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, चुंबक लेता हूं, और इसको इसके आर पार निकालता हूं या इसमें से गुजारता हूं, तो देखिए ये टाइम लगाएगा नीचे आने में। देखिएगा आप, ये देखिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये देखिए, ये इसको आने में काफी देर लगी। देखिए यहां, देखिए मैं इसको लेता हूं, इसको छोड़ता हूं, देखिएगा आप, देखिए इसको आने में, यहां भी इसको भी क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं चुंबक को जब इस तांबे की नली में से गुजारा गया तो उसने नीचे आने में कुछ समय लिया। देखिए अब मैं दोनों को एक साथ कर देता हूं, तो देखिए इसने नीचे आने में कुछ समय लिया, जबकि मैं लोहे की इस वस्तु को यहां से गुजार रहा हूं तो ये कोई समय नहीं ले रहा, तुरंत नीचे आ जाता है। तो इसका क्या कारण है, आइए इसे समझते हैं। जैसे ही हम तांबे की नली में चुंबक को गति कराते हैं, तो माना चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव, देखिए आप, ये नली की ओर बढ़कर उसमें प्रवेश कर रहा है। देखिए आप, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव नली की ओर बढ़कर उसमें प्रवेश कर रहा है। तो फिर क्या होगा, चुंबक और इस बंद कुंडली, मतलब नली को हम बंद कुंडली मान सकते हैं, क्योंकि नली एक तांबे के ढेरों फेरों वाली बंद कुंडली की तरह ही है। तो फिर इसमें क्या होगा कि ये जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करने की ओर जाएगा, इसकी ओर बढ़ेगा, तो क्या होगा, इस चुंबक और इस नली के बीच आपेक्षिक गति होगी, और गति के फलस्वरूप नली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी। और हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से कि ये फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी और नली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा बहने लगेगी। देखिए प्रेरित धारा बह रही है। अब लेंज के नियम से हम जानते हैं कि प्रेरित धारा क्या करती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। किसके कारण उत्पन्न हुई है, आपेक्षिक गति के कारण उत्पन्न हुई है, तो वो आपेक्षिक गति का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो नली में जो प्रेरित धारा होगी वो कैसी बहेगी, वामावर्त बहेगी, एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, और नली एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगेगी, जिसका चुंबकीय आघूर्ण, यूं कहें म्यू का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ से किधर होगा, नॉर्थ की ओर होगा, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। तो फिर क्या होगा कि नली का उत्तरी ध्रुव किधर हो जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, नली में चुंबक की गति का विरोध शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, जब ये मैग्नेट लगातार नीचे की ओर गिरता जाएगा, तो चूंकि ये नली जो है, हम कह चुके हैं कि तांबे की ढेरों फेरों वाली बंद कुंडली की तरह है, मतलब ये एक टर्न नहीं है, ऐसे ढेरों टर्न्स इसके अंदर है और ये उसकी बंद कुंडली की तरह है। तो जैसे जैसे चुंबक आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, गति का भी विरोध होता जाएगा और चुंबक की चाल लगातार क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि चुंबक की जो गति होगी वो नली में एक चुंबकीय द्विध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट करेगी, और जो मोशन अर्थात गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। मतलब हम कह रहे हैं कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है वो एक चुंबकीय क्षेत्र बी इंड्यूस्ड बनाएगी और वो परिवर्तन अर्थात आपेक्षिक गति का विरोध करेगा, जिसके कारण क्या होगा, चुंबक की चाल लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब तांबे की नली में से आप चुंबक को गति कराएंगे तो उसकी चाल कम होती चली जाएगी, और यही कारण है कि चुंबक देरी से इस नली में से पार होता है। जबकि हम लोहे की जो हमने नट ली थी या लोहे की कोई वस्तु ले रहे हैं तो वो तुरंत ही उसमें से पार हो जा रही है। तो इस तरह से इसका जो कारण है वो हमने बताया कि ये लेंज लॉ से हम इसको बता सकते हैं कि लेंज के नियम से प्रेरित धारा आपेक्षिक गति का क्या करती है, विरोध करती है, और इस कारण नली में प्रेरित धारा वामावर्त होगी और जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ जो नली का सिरा है वो भी उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगेगा, जो आपेक्षिक गति का क्या करेगा, लगातार विरोध करेगा, और नली एक तांबे की ढेरों फेरों वाली बंद कुंडली की तरह है, तो ये विरोध लगातार होता चला जाएगा और उसकी चाल कम पड़ती चली जाएगी। धन्यवाद।